आजमगढ़ में दीपावली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों को शांति और सुरक्षा के साथ मनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसडीएम और क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष निर्देश दिए गए हैं। पटाखों की दुकानों की सुरक्षा, छठ पूजा के लिए घाटों की व्यवस्था और त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वीओ, दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों को लेकर आजमगढ़ जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने समस्त एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पटाखों की दुकानों का निरीक्षण करें, खुले स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करें और दुकानदारों के पास फायर एक्सटिंग्यूशर रखना अनिवार्य करें। छठ पूजा के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के घाटों पर साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नाव और गोताखोरों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। बिजली विभाग को भी त्योहारों के दौरान निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में बंद केस के लिए विशेष बेड आरक्षित करने और 108 एम्बुलेंस सेवाओं को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग मिठाइयों और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जाँच करेगा ताकि किसी भी तरह की मिलावट पर सख्त कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने सभी थाना प्रभारियों को पंडाल समितियों और डीजे संचालकों के साथ बैठक कर ध्वनि सीमा का पालन और अश्लील गानों पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि हमारी प्राथमिकता है कि सभी त्योहार शांति और सुरक्षा के साथ मनाए जाएं। हमने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और बिजली की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए ताकि जनता को कोई असुविधा न हो। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंडाल समितियों और डीजे संचालकों से सख्त निर्देश दिए जाएं। डीजे के लिए ध्वनि सीमा का पालन और अश्लील गानों पर पूरी तरह रोक रहेगी। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता देंगे हम आपको ओवरऑल जनरल। आगामी त्योहार को लेकर आज मीटिंग की गई है, क्या उद्देश्य, किन चीजों पर विशेष फोकस रहा है? आज मुख्यालय स्तर पर जनपद आजमगढ़ में हमारे द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों के साथ सभी जन सामान्य में जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं या वरिष्ठ जन हैं उन सभी के साथ एक पीस कमेटी की, सेंट्रल पीस कमेटी की एक तरीके से बैठक की गई और आने वाले जो त्योहार है जिसमें दीपावली, छठ पूजा इत्यादि है उसके बारे में सभी लोगों से सुझाव लिए गए। कहीं पर कोई परेशानियां हैं या कोई और प्रशासनिक रूप से व्यवस्थाएं सुधार किए जाने की आवश्यकता है तो उसके बारे में जानकारियां ली गई। सभी विभागीय अधिकारियों से, सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत, सभी तहसील क्षेत्रों के अंतर्गत जो जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित प्रशासनिक रूप से की जा रही हैं या की गई हैं उसके बारे में जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दीपावली के दौरान आतिशबाजी इत्यादि के संबंध में हमारे जो त्योहार को मनाए जाने के संबंध में जो आवश्यक सतर्कता की जानी है, फायर डिपार्टमेंट के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अलर्ट और बर्न वॉट्स की व्यवस्था की जानी है उसके संबंध में डायरेक्शन दी गई। छठ पूजा के दृष्टिगत जो हमारे विभिन्न घाट है वहाँ पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है, गोताखोरों की उपलब्धता इत्यादि, सुरक्षात्मक रूप से बैरिकेड किए जाने की आवश्यकता और पूरे त्योहार के दौरान विद्युत की निर्बाध उपलब्धता, साथ ही साथ हमारी साफ सफाई की सुदृढ़ व्यवस्था शहरी क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी, इन सभी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर, जैसा कि मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई है उसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य किस तरीके से आज त्योहारों को लेकर के मीटिंग की गई है शासन द्वारा, क्या रहा सर? देखिए, आज आगामी जो त्योहार है धनतेरस का त्योहार है, तो उसके बाद में दीपावली गोवर्धन और इसके बाद में जो छठ का त्योहार है, सभी त्योहारों को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और मेरे द्वारा जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ में, थाना प्रभारियों के साथ में और सम्मानित जो भी हमारे पीस कमेटी के जो मेंबर हैं उन सभी के साथ में मीटिंग की गई है और उनके सारे विषयों के बारे में जानकारी की गई और साथ ही साथ आगामी त्योहारों में जो जो समस्याएं होती है उनको लेकर सबको ब्रीफ किया गया है और इसके बाद में सभी थाना स्तर पर भी जो पीस कमेटी की जो बैठक है उसको करने के लिए बताया गया है। हम लोग आज की जो मीटिंग में सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आगामी जो त्यौहार है उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए और लगातार सभी लोगों से संवाद बना के और जो भी चीज़ें हैं जो कि अनहोनी की घटनाएं होती है, जिस तरह की आगजनी घटना हो जाती है या आतिशबाजी के दौरान कुछ लोगों को गंभीर चोट लग जाती है और विशेष तौर छठ के टाइम पे कुछ बच्चों को डूबने की जो घटना है तो उस सब के बारे में सबको जानकारी दी गई है
और बताया गया है कि इस समय विशेष तौर पर लोग सावधानी बरतेंगे, आगामी जो त्योहार है उनको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। सर आतिशबाजी को लेकर के किस तरीके से कई घटनाएं? देखिए इसके लिए एक तो जो सबसे पहली चीज है कि जो भंडारण करने वाले जिनको लाइसेंस दिया गया है उनको भी बताया गया है कि जो गाइडलाइन है उसका वो लोग पालन करेंगे, और हमारे जो फायर सर्विस के जो लोग हैं वो जाके चेक भी कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं। इसके अलावा बाद में जो बिक्री के लिए जो फुटकर विक्रेता है उनको भी जो एक निर्धारित जगह है वहीं पर बिक्री के लिए बताया गया है, और जो दुकानों का जो लेआउट होगा उनमें जो जो जिस तरीके से मटेरियल से दुकानें बनेंगी जो अस्थायी रूप से उसके बारे में सबको जानकारी दी गई है। फायर फाइटिंग के वहाँ पे क्या बंदोबस्त होंगे इसके बारे में लोगों को बताया गया है कि सभी लोग फायर फाइटिंग के वहाँ बंदोबस्त करके रखेंगे, पानी और रेत है। इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनकी व्यवस्था करके रखेंगे, और जो दुकानों का जो लेआउट है वो भी इस तरीके से रखा जाएगा कि वहाँ पे यदि कोई अनहोनी होती है तो वहाँ पे कम से कम जानमाल का नुकसान हो, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे रखी जा रही है। इसके अलावा कोई शॉर्ट सर्किट से कोई आग ना लगे इसके लिए भी बताया गया है। हमारी फायर सर्विस की जो टीम है वो लगातार लोगों को जाके बता भी रही है, और ये भी बताया गया कि जहाँ जहाँ दुकानें लगेंगी वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करके उन सब लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। डीजे को भी लेकर के आपके द्वारा? डीजे को लेकर देखिए डीजे से सभी पिछली मीटिंग्स में भी सब लोगों ने इसमें बोला गया था, और शासन से भी निर्देश है कि जो डीजे का जो साउंड है वो बहुत ज्यादा होने पे उसमें बच्चे और जो विशेष तौर से जो गर्भवती महिलाएं होती है और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उन लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है, और इसके लिए हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें गाइडलाइंस है, उन सभी का पालन करने के लिए सबको बताया गया है। और कहीं पे भी जो निर्धारित डेसिमल है उससे ज्यादा जो ध्वनि है उसको प्रसारित करने के लिए जितने भी जो डीजे के जो मालिक है उन सबकी मीटिंग करने के लिए बताया गया, उन सबको इस चीज के लिए बताया गया कि जो भी माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका सभी लोग पालन करेंगे, और इसके लिए उन सब लोगों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं जिससे कि वो लोग इन चीजों को समझें कि उनको क्या क्या चीजों का अनुभव है।